जी जी बस मैं 2 मिनट में आ गया। वैसे तो तुम्हारे फैसले से पूरी कमेटी आगाह है, मगर मैं फिर भी यही कहूंगा कि तुम एक बार फिर सोच लो। ये जानते हुए कि मेरी बेटी वहां मौजूद है, हमला किसके कहने पर हुआ था? आजम साहब, हमें मालूम है कि आप अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार हम लोगों को ठहराते हैं, मगर यकीन जाने सिर्फ एक हादसा था, ये महज हादसा। ऐसे हादसा तो पिछले 56 सालों से होते आ रहे हैं, और आप लोग को ये बात आप लोग ये जानते हैं के सच्चाई जानने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूं। तमीज से बात कीजिए आजम साहब, आप भी इसी नाली के कीड़े हैं। और आजम साहब, हमें इन कीड़ों को मचलना अच्छी तरह आता है। और इस हादसे की बदौलत आप पार्टी के राज फाश नहीं कर सकते। राज नहीं, जुर्म। और आप लोगों की ना इस बकवास सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। सच हमेशा कड़वा होता है, और हमें नहीं लगता कि इस सच का बोझ आप उठा पाएंगे। मुझे लगता है तुम्हें इख्तदार की ताकत का अंदाजा नहीं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए ये छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और जहां बात है हमले की, हमला हमारे कहने से हुआ था। हमें यह भी पता है कि तुम्हें ये बात तकलीफ देगी, लेकिन इसके बदले में तुम जो कीमत लेना चाहो हम देने के लिए तैयार हैं। चले, देखता हूं तुम्हें, देखता हूं।